नजर आया आपको सवाल नंबर तीन, देखिए लिखा हुआ है ऑफर प्रपोजल एंड इट्स लीगल रूल्स। सवाल बिल्कुल ऐसे ही पूछते हैं, डिफाइन ऑफर, आप उर्दू में दे रहे हो अंग्रेजी में दे रहे हो, आप अंग्रेजी में दे रहे हो उर्दू में दे रहे हो, जवाब अंग्रेजी में दे रहे हो ना, तो फिर मैं आपको अंग्रेजी में भी अगर बोलूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए सवाल ये है, डिफाइन ऑफर और प्रपोजल, बात एक ही है, या वो आपको ऑफर बोल दे या आपको क्या बोले प्रपोजल बोले, बात एक ही है, घबराना नहीं है। ऑफर गए या प्रपोजल गए, बात एक ही है। उर्दू में इसको बोलते हैं, उर्दू में इसको बोलते हैं OFFER, ऑफर और प्रपोजल, इसको उर्दू में कहते हैं, क्या कहते हैं, तजवीज़ कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, ईजाब, क्या कहते हैं, ईजाब कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, तजवीज़ बोलते हैं। ये तजवीज़ क्या होती है और इसके क्या कानूनी उसूल कौन से हैं, लीगल रूल्स कौन से हैं, इसके लीगल रूल्स कौन से हैं, यानी तजवीज़ कब जायज़ तजवीज़ होगी, ये पूछना जा रहा है आपसे। अंडरस्टैंड, अब मैं उसको पढ़ता हूँ, देखिए लिखा हुआ है, एन ऑफर इज अ प्रपोजल, ऑफर क्या है, एक प्रपोजल होती है, या आप ऑफर कह लें या प्रपोजल कह लें, बाय वन पार्टी, एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या देती है, ऑफर देती है, उससे वो क्या कर ले, एग्रीमेंट कर, एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्या देती है, ऑफर देती है कि वो उससे क्या कर ले, कानूनी एग्रीमेंट कर ले। मिसाल के तौर पे देखिए वहाँ लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ए सेज़ टू बी, ए बी को बोलता है, इसमें थोड़ी सी तरमीम करना, थोड़ा सा लिखना, कुछ चीज़ वहाँ नहीं है, मैं ऐड करवाऊँगा, उसको ऐड करना है ताकि जुमला मुकम्मल हो जाए, अंडरस्टैंड, हाँ, पेंसिल हाथ में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया कि तजवीज़ देने वाला जो है वो तजवीज़ देता है ताकि उसकी तजवीज़ या तो कबूल हो जाए या फिर रद्द हो जाए, रद्द को अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं, रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तजवीज़ देने वाला तजवीज़ देता है इसलिए कि या तो उसकी तजवीज़ को क्या कर लिया जाए, कबूल कर लिया जाए, ठीक है, या फिर उसको क्या कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, दो ही चीज़ें हैं ना, तीसरी तो नहीं है, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, ए कहता है बी से, विल यू परचेज माई कार फॉर ₹50,000। अब ये तजवीज़ है जो किसने दी, ए ने दी, ये एक ऑफर है, या ये क्या है, प्रपोजल है, जो किसने दी, ए ने दी, किसको दी, बी को, भाई दीवार को भी नहीं देगा ना, बी होगा, बी को देगा वो तजवीज़, ठीक है, तो तजवीज़ किसको देगा, वो बी को देगा। ए ने बी से कहा, विल यू परचेज माई कार फॉर ₹50,000, इन दिस केस ही इज़ मेकिंग एन ऑफर, इस केस में वो क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है किसको, बी को, एज ही सिग्निफाइज, इसलिए कि वो इजहार कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है टू सेल टू बी हिज विलिंगनेस, यहाँ ऐड कीजिए टू बी हिज विलिंगनेस, टू के बाद लिखिए बी हिज विलिंगनेस, टू के बाद लिखिए बी और बी के बाद लिखिए हिज विलिंगनेस, ठीक है, कि वो बी को क्या दे रहा है,
अपनी रजामंदी दे रहा है, ठीक है, टू सेल इस कार, ठीक है, फॉर रुपीज हाउ मेनी 50,000, कितने रुपयों में, 50,000 में, क्यों दे रहा है, विद अ व्यू, इस ख्याल से कि ऑब्टेन करे, हासिल करे, एसेंट कहते रजामंदी को, एसेंट किसको बोलते हैं, रजामंदी को, किसकी रजामंदी को, कि वो कार खरीदेगा या कार नहीं खरीदेगा। सो ए ने तजवीज़ किसको पेश की, बी को पेश की, तजवीज़ क्या पेश की कि विल यू परचेज माई कार फॉर रुपीज 50,000, ए इन दिस केस इज मेकिंग एन ऑफर टू बी एज ही सिग्निफाइज टू बी हिज विलिंगनेस टू सेल हिज कार टू बी फॉर रुपीज हाउ मेनी 50,000 विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग बीज असेंट। असेंट का मतलब भी क्या होता है, कबूलियत होता है। असेंट का लफ्ज जो वहाँ लिखा हुआ है ASENT, असेंट कबूलियत के मानों में आता है कि या तो वो उसकी कबूलियत दे या उसको क्या कर दे, या उसको रद्द कर दे, ठीक है। तो उसे कहते हैं कि ए ने क्या पेश की, तजवीज़ पेश की, ठीक है ना। अब भाई मैं ये कलम भेजना चाहता हूँ, मैं ये कहूँगा विल यू परचेज दिस पेन फॉर रुपीज 15, विल यू परचेज दिस पेन, राइट, सिग्नेचर, राइट, सिग्नेचर की पेन है ये, क्या आप इसको 25 रुपये में खरीदेंगे। तो मैंने आपकी क्या ली, रजामंदी ली, रजामंदी ली, राय नहीं, रजामंदी ली। अब रजामंदी लेने का मतलब है आप जाए इसको कहते हैं हाँ या कह देना। अगर आपने कह दिया यस, तो आप मेरी ऑफर क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है, जब ऑफर क्या हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है, तो ये क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। जब ऑफर एक्सेप्ट होती है तो एग्रीमेंट बन जाता है, और इस एग्रीमेंट को जब क्या मिलती है, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ मिलती है। जब इसको कानून क्या देता है, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ देता है, तो ये क्या बन जाता है, ये क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। सो सिर्फ ऑफर देना एग्रीमेंट बनने का बाइस नहीं है। ऑफर क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए, और जब वो एक्सेप्ट होगी तो वो क्या बन जाएगी, एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट को जब क्या मिलेगी, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ये आपको शुरुआत में देना है, पहला पैरा, पहला पैरा शुरुआत में देना है। वो आपसे पूछेगा डिफाइन ऑफर, क्या पूछेगा, डिफाइन ऑफर, तो ये पहला पैरा देना है। इसके बगैर नंबर नहीं मिलेंगे, यू विल नॉट गेट मार्क्स विदाउट राइटिंग दिस पैरा, अंडरस्टैंड। अब हेडिंग क्या बनाएगी, देखिए चार किस्म की ऑफर होती है, ऑफर की कितनी टाइप्स हैं, चार टाइप्स हैं, ऑफर की कितनी टाइप्स हैं, चार टाइप्स हैं। एक है एक्सप्रेस ऑफर, एक ऑफर कौन सी है, एक्सप्रेस ऑफर, ये क्या है, ऑफर की, ऑफर की क्या है, टाइप से। ऑफर को उर्दू में क्या बोलते हैं, तजवीज़। तजवीज़ आप कैसे देंगे, जैसे अभी मैंने आपको एक मिसाल दी, विल यू परचेज माई मोटर कार फॉर रुपीज 50,000, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज अ प्रपोजल, ये किसको दे रहा हूँ मैं, बी को दे रहा हूँ। अब बी की मर्जी है, उसको एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, तो जबरदस्ती नहीं है। अगर वो रिजेक्ट करता है, ओके यू गो टू योर होम आई गो माइन, तो अपने घर जाओ मैं अपने जाता हूँ, बात खत्म। लेकिन अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट को क्या मिली, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ मिली। जब मिल गई तो बाउंड्री बन गया, मेरे और आपके बीच में क्या हो गया, मुआहदा हो गया। मुझे आपको क्या देनी है, कार देनी है,
आपको मुझे क्या देना है, 50,000 रुपए दे। अंडरस्टैंड, मुझे क्या देनी है आपको, कार देनी है, और आपको मुझे क्या देना है, 50,000 रुपए। मामला खत्म हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप मुझे राइट 50,000 नहीं देंगे तो मैं आपके खिलाफ अदालत में जा सकता हूँ, इसलिए कि ये एक जायज़ मुआहदा, इसलिए ये क्या है, जायज़ मुआहदा। अब ये चार किस्मों की ऑफर्स होती हैं, ऑफर की कितनी किस्में होती हैं, चार किस्में, वो आप पूछे हैं ना पूछे आपको लिखना पड़ेगा। पहली ऑफर क्या है, एक्सप्रेस ऑफर, देखिए लिखा हुआ है माँ, एक्सप्रेस ऑफर क्या होती है, एन ऑफर मे बी मेड बाय एक्सप्रेस वर्ड स्पोकन और रिटन, तहरीर में अल्फाज तहरीर में हो या जबानी हो, भाई अल्फाज तहरीर में हो या जबानी हो, एक्सप्रेस ऑफर क्या होती है, तहरीरी या जबानी ऑफर, ठीक है, दिस इज नोन एज एक्सप्रेस ऑफर। ऑफर क्या होती है, या तो जबानी होती है, ऑफर क्या होती है, या तो जबानी होती है या तहरीरी होती है। ऊपर जो ऑफर मैंने आपको अभी दी, ये ऑफर दी है, विल यू परचेज माई मोटर कार फॉर ₹50,000, ये कौन सी ऑफर है, जबानी है लेकिन एक्सप्रेस है नहीं है, इसी को लिख के दे दूं, इसी को लिख कर दे दूं, विल यू परचेज माई मोटर कार फॉर ₹50,000, ये भी क्या कौन सी ऑफर हो गई, एक्सप्रेस हो गई, जबानी या तहरीरी, अल्फाज में, अल्फाज में हो गई नहीं होगी, जब अल्फाज में हो गई तो एक्सप्रेस होगी। दूसरी ऑफर है, कौन सी ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, ये क्या होती है, तर्ज अमल से, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाय कंडक्ट, इसको क्या बोलते हैं, बाय कंडक्ट, तर्ज अमल से, देखिए लिखा हुआ है, एन ऑफर में आल्सो बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। 7C की बस चल रही है रूट पर, 7C की बस चल रही है रूट पर, ये आपके लिए ऑफर है, आप उसमें सवार होते हैं, आपने उसकी ऑफर को क्या कर लिया, वो भूल कर, अब उसकी ये कानूनी पाबंदी है कि वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा, और आप उसको क्या दें, क्या दें, उसे किराया देना, आपको फ्री में तो नहीं पहुंचा रहा है, वो पब्लिक बस चल रही है रूट पर, ये एक ऑफर है, कौन सी ऑफर है, इम्प्लाइड ऑफर है, जिसको उर्दू में बोलते हैं मानवीय ऑफर, क्या कौन सी ऑफर बोलते हैं, मानवीय ऑफर, मायने लिए जाते हैं कि ये मौजूद है, तो पब्लिक बस चल रही है कहाँ, रूट पर, ये मायने, ये क्या है, ऑफर है, कौन सी ऑफर है, एम्प्लाई, कहीं नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं है, लेकिन बस का कहाँ चलना, रूट पे चलना, क्या है, एम्प्लाइड ऑफर है, ये ऑफर कब एक्सेप्ट होगी, जब आप बस में सवार होंगे और किराया देंगे, तो आपकी ऑफर क्या हो गई, आपने उसकी ऑफर को क्या कर लिया, कबूल कर लिया, ये मुआहदा हो गया। एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन समझते हैं, वजन करने वाली मशीन, पब्लिक प्लेस पे रखी हुई है, ठीक है, क्लिफ्टन, आजकल तो क्लिफ्टन बंद है, क्लिफ्टन पर एक शख्स जो है वेइंग मशीन रख कर बैठा हुआ है, आप जो है उसके स्लॉट में राइट 5 रुपए का सिक्का डाल देते हैं, आप उसके स्लॉट में कितना डाल देते हैं, 5 रुपए का सिक्का, तो आपने उसकी ऑफर को क्या कर दिया, कबूल कर दिया, वो कुछ नहीं कहता है, लेकिन आपने उसके सिक्का निकाला, 5 रुपया स्लॉट में डाल दिया, आपने वजन किया, वजन आ गया आपका, कोई तहरीर नहीं, कोई अल्फाज नहीं, लेकिन क्या है, लेकिन क्या है, अमल है, तो जब अमल आपने कर लिया तो आपने उसकी ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और उसने आपको आपका क्या दे दिया, वजन दे दिया, ये क्या कहलाती है, इम्प्लाइड ऑफर।
वजन करने वाली मशीन का कहाँ रखा जाना, पब्लिक मकाम पर रखा जाना, पब्लिक प्लेस पर। ये नहीं कि आप घर में रख दें, पब्लिक प्लेस पर रखें। ये एक क्या है, इम्प्लाइड ऑफर है, मानवीय ऑफर है, कंडक्ट के जरिए आपने अमल किया, मशीन रख दी कहाँ, पब्लिक प्लेस पर मशीन रख दी। अब जो कोई उसमें 5 रुपए का सिक्का डालेगा, ठीक है, तो वो उसने, आपने उसकी ऑफर को क्या कर दिया, कबूल कर दिया, मानवीय तौर पे अपने कर्जे अमल से कबूल कर दिया, तो लिहाजा ये क्या हो गई, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई। तो इम्प्लाइड ऑफर की जवाब में क्या दिया आपने, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस की। कभी वजन करवाया है, नहीं करवाया है, ठीक है। तो ये मिसाल दूसरी हो गई, कौन सी, इम्प्लाइड ऑफर। पहली मिसाल क्या थी, एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर क्या होती है, तहरीर में होती है, या जबानी अल्फाज या फिर तहरीरी अल्फाज। भाई जबानी और तहरीरी में फ़र्क नहीं मालूम आपको, जबानी अल्फाज जबान से कहूँ या लिख कर दूँ, तो ये कौन सी ऑफर होगी, एक्सप्रेस ऑफर होगी। और एक दूसरी ऑफर कौन सी होती है, मानवी, जिसमें अल्फाज अल्फाज नहीं होते, तर्ज अमल, मशीन रख के बैठ गया मैं बाजार में तारिक रोड पर, मशीन रख दी, पब्लिक प्लेस है नहीं है तारिक रोड। अब आपने, आपको वजन करवाना है, आपने निकाला 5 रुपए का सिक्का, कोई ऑफर ऑफर है नहीं है, कुछ नहीं है, आपने 5 रुपए का सिक्का निकाला उसमें डाल दिया, तो वो ऑफर जो हो गई, आपने उसकी ऑफर क्या कर लिया, कबूल कर लिया, उसने आपको मशीन वजन दे दिया, ठीक है, कबूलियत हो गई, वजन मिल गया आपको, मुआहदा कंप्लीट हो गया। तीसरी ऑफर है स्पेसिफिक ऑफर, देखिए सब कुछ लिखना पड़ेगा एम्प्लॉयड ऑफर में आपको, यही चीज मैंने आपको समझाई है अभी, जो जो कुछ इसमें लिखा हुआ है यही चीज मैंने आपको समझाई है। मानवीय ऑफर कहलाती है, उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, मानवीय ऑफर। इसमें अल्फाज नहीं होते, बल्कि क्या होता है, तर्ज अमल बाय कंडक्ट, तर्ज अमल के जरिए होती है। मिसाल कौन सी थी, 7C की मिसाल दी, बस की मिसाल दी, और दूसरी मिसाल किसकी थी, दूसरी मिसाल किसकी थी, वेइंग मशीन की, वजन करने वाली मशीन कहाँ रखी भी है, पब्लिक प्लेस पर। अब आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने 5 रुपए निकाले और उसके वो स्लॉट में डाल दिए और खड़े हो गए उसके ऊपर, अब उसने वजन दे दिया, राइट, 80 किलोग्राम या 72 किलोग्राम, वो बोलियत हो गई, मुआहदा हो गया, तकमील को हो गया, वजन मिल गया आपको। तीसरा है स्पेसिफिक ऑफर, एक खास आदमी को या खास आदमी के ग्रुप्स को, एक खास आदमी को, ए अहमद को ऑफर देता है, ये क्या कहलाई, स्पेसिफिक ऑफर। ए ग्रुप ऑफ पर्संस को, ग्रुप ऑफ पर्संस को क्या देता है, ऑफर करता है, वही ग्रुप ऑफ पर्सन क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करे। अहमद को ऑफर दी, अहमद क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करे, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ऑफर। एक खास आदमी को या खास आदमी के, खास आदमियों के ग्रुप्स को ऑफर दी जाए और वही आदमी या वही ग्रुप्स क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन क्या करे, उसे एक्सेप्ट करे, ऐसी ऑफर को क्या बोलते हैं, ऐसी ऑफर को स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। एक ऑफर होती है जनरल ऑफर, तीसरी ऑफर क्या हुई, तीसरी ऑफर क्या हुई, स्पेसिफिक, अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। उसके बाद चौथी ऑफर क्या हुई, जनरल ऑफर, ये क्या हो गई, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या होती है, देखिए वहां लिखा हुआ है,
When an offer is made to the world at large, जब ना तो किसी एक आदमी को दी जाए बल्कि दुनिया को दी जाए, तमाम लोगों को दी जाए। जब ऑफर किसको दी जाए? तमाम लोगों को दी जाए, तमाम लोगों को दी जाए। तो ये ऑफर क्या कहलाती है? जनरल ऑफर कहलाती है। मेरी ऑफर सबके लिए, मेरी ऑफर सबके लिए, इसे क्या बोलते हैं? जनरल ऑफर बोलते हैं। देखिए एक मुकदमा है, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। एक मुकदमा है कार्लाइल LILL, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, स्मोक बॉल कंपनी। अब आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना, लेकिन मैं डिटेल बता दूंगा आपको। ब्रैकेट में क्या लिख देना है? सिर्फ इस केस का हवाला देना है। ये क्या है? ये क्या है? एक मुकदमा है। हाँ, मुकदमे का नाम कैसे लिखते हैं? कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये किस पर है? जनरल ऑफर पर है। ये मुकदमा किस पर है? जनरल ऑफर पर है। इसमें बहुत सारे मसाइल हल किए गए हैं, लेकिन जनरल ऑफर की बात मैं किए जा रहा हूँ। देखिए एक कंपनी, देखिए इन्फ्लुएंजा समझते, बीमारी होती है। इन्फ्लुएंजा क्या होती है? एक बीमारी होती है, ठीक है। एक कंपनी जो है मुख्तलिफ अखबारात में, मैं इसका क्या बता रहा हूँ आपको, इस मुकदमे के क्या बतला रहा हूँ आपको, क्या बतला रहा हूँ? हकाई। आपको हकाई लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ब्रैकेट में ये लिख देना है कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कहाँ लिखना है? कहाँ पर? कौन से ऑफर में? जनरल ऑफर में। जनरल ऑफर में कहीं ऊपर लिख दिया तो हो जाएगा बेड़ा गरक। हाँ, कहाँ लिखना है? जनरल ऑफर में लिखना है, ब्रैकेट में, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। एक कंपनी थी, ठीक है, वो कंपनी का नाम था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। उसने इन्फ्लुएंजा की एक दवा बनाई और अखबार में इश्तिहार दे दिया कि जिसने इस दवा को इस्तेमाल किया हिदायत के मुताबिक और उसके बावजूद भी उसे क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा हो गया। कंपनी उसको कितनी देगी? 100 पाउंड जो है वो देगी। कंपनी उसको कितनी देगी? 100 पाउंड देगी। अब एक औरत थी जिसका नाम था मिसेस कार्लाइल, एक औरत थी उसका नाम क्या था? मिसेस कार्लाइल। उसने ये दवा खरीदी, ये स्मोक बॉल खरीदी और उसको खाया, उसके बावजूद जो है उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। तो अब ये जो कंपनी थी स्मोक बॉल कंपनी, उसने पैसा देने से, कितने पैसा? 100 पाउंड देने से इनकार कर दिया। लेकिन ये औरत कहाँ गई? अदालत में गई। अदालत ने कहा ये एक जनरल ऑफर थी। ये क्या थी? एक जनरल ऑफर थी। अखबार में क्या दिया था? इश्तिहार दिया था कि जो कोई इसको इस्तेमाल करेगा, इस स्मोक बॉल को इस्तेमाल करेगा, ये दवा थी जो इसको इस्तेमाल करेगा, उसके बावजूद उसको क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। तो कंपनी उसको क्या देगी? 100 पाउंड देगी। तो उस कंपनी ने जो है उसको 100 पाउंड देने पड़े, क्योंकि ये क्या थी? एक जनरल ऑफर थी। और इसको किसने कबूल किया? कार्लाइल ने इस्तेमाल किया, कबूल किया, और उसके बावजूद उसको क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा हो गया। और कंपनी जो थी वो उसने इनकार किया देने से, लेकिन अदालत ने फैसला दिया कि ये कौन सी ऑफर है? जनरल ऑफर है। उसने इसको कबूल किया था और कबूल करके इस्तेमाल किया था, हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया था। अब कंपनी जो है वो उसे 100 पाउंड देगी। कंपनी को 100 पाउंड देने पड़े। ये अगर आप इतना ब्रैकेट में लिख देते हैं कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, मुकम्मल हो जाता है। अब इसके लीगल रूल्स क्या हैं?
offer must be such as in law is capable of being accepted and giving rise to legal relationship. देखिए अब इसके legal rules शुरू हो गए. कितने हैं legal rules? कितने? छः. हाँ छः. छः लिखे में देखिए. पहला rule क्या है? पहला rule ये है कि offer ऐसी हो जो कानूनी रिश्ते को क्या करे, जन्म दे. मैं आपको इनवाइट करता हूँ मेरे साथ कार्ड पार्टी के लिए. मैं आपको, आइए मेरे साथ कार्ड पार्टी होगी, हम कार्ड खेलेंगे. बताइए क्या इसने कानूनी रिश्ता डेवलप किया? नहीं किया. ये कानूनी रिश्ता नहीं है, लिहाजा ये ऑफर भी नहीं. हालांकि आपने इसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया. आई सेड यू, ठीक है, आई इन्वाइट यू, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ टू अ कार्ड बाजी में, एंड यू एक्सेप्ट द ऑफर. आप इस ऑफर को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं. द इन्विटेशन, इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन यहाँ कोई लीगल रिलेशनशिप कायम नहीं होता. अगर आप नहीं गए तो ये कोई कानून रिश्ता नहीं है, ऑफर नहीं है. अगर छे आपने इसको क्या कर लिया था? एक्सेप्ट कर लिया. दूसरी पॉइंट, टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट, अनएम्बिगुअस एंड सर्टेन एंड नॉट लूज एंड वेग. टर्म्स ऑफ ऑफर जो है वो क्या होनी चाहिए? डेफिनेट होनी चाहिए. मैंने पहले मिसाल दी थी, आई विल सेल यू अ कार. सुनिए, आई विल सेल यू अ कार एंड आई ओन 3 cars. आई विल सेल यू अ कार, मैं आपको एक कार बेचूंगा. आई ओन 3 cars, मेरे पास कितनी कार्स हैं? 3. तो ये ऑफर डेफिनेट है या नहीं है? डेफिनेट नहीं है. नहीं है तो ऑफर भी नहीं, जीरो. कोई भी आप कुछ ना कहें, छोड़ दें, चले जाए, ठीक है ना, या यस भी कह दें, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी, क्योंकि ये ऑफर क्या है? डेफिनेट नहीं है. हाँ, अगर मैं कहता आई विल सेल यू माय मोटर कार, ठीक है, होंडा सिविक 2014, राइट, फॉर दी एट द रेट ऑफ ₹2,50,000, 2,50,000 में बेचूंगा मैं तुम्हें, ब्लैक कलर की है, तो फिर ये क्या हो जाती? डेफिनेट हो जाती. लेकिन ये क्या बात हुई? मेरे पास 3 कार हैं, 1 बेचूंगा, तो ऑफर डेफिनेट नहीं हुई. जब नहीं हुई तो ये ऑफर नहीं है. चौथी बात, एन ऑफर मे बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर. दो मिनट. एन ऑफर, देखिए आप बाटा स्टोर पर जाते हैं, बाटा स्टोर सुना है ना, उस पर जूते पड़े हुए हैं, लिखा हुआ है एक जूता 1,000 का, 2,000 का, 3,000 का है. अब ये जो 2,000, 3,000, 4,000 लिखे हुए हैं, ये क्या है? ये इन्विटेशन टू ऑफर है. इसमें आपको वो क्या कर रहा है? इन्वाइट कर रहा है, ऑफर नहीं है. अब जब आप अंदर जाएंगे स्टोर में, आपको 3,000 का जूता पसंद आ गया, आपने 3,000 निकाले, उसको दिए, ये 3,000 आपकी जानिब से क्या है? ऑफर है. ये 3,000 आपकी जानिब से क्या है? ऑफर है. वो ऑफर को कबूल करेगा और आपको वो जूता निकाल कर जो है वो देगा, आपसे 3,000 रुपये ले लेगा. ऑक्शन, नीलाम होता है. नीलाम में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं. आपको ये कैमरा पसंद आ गया, ठीक है, आपको इसके बारे में क्या देना पड़ेगा? बिड देनी पड़ेगी, बोली देनी पड़ेगी. आपकी बोली क्या है? ऑफर है, ठीक है. उसने लिखा हुआ है 4,500, इस कैमरे पर क्या लिखा हुआ है? 4,500. लेकिन आपने क्या बोला? बोली क्या दी आपने? 3,000. बोली क्या दी आपने? 3,000. नीलाम, तो आपकी बोली क्या है? ऑफर है. 3,500 जो इस पर लिखा हुआ है वो ऑफर नहीं है. जब आप इस पर बोली देंगे, आपने क्या बोला? 3,000, तो 3,000 क्या हो गई? आपकी बोली हो, आपकी बोली, आपकी ऑफर. अब उसको वो कहता है यस, एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है 1, 2, 3 और यस करता है. इसका मतलब है आपकी ऑफर क्या हो गई? कबूल. हाँ, ये इन्विटेशन टू ऑफर है. प्राइसेस टैग जो होते हैं ये क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर है. देखिए, किताबों की लिस्ट
बीकॉम के किताबों की लिस्ट आपको मिली, किताब वाले ने दी, फला किताब इतने की, फला किताब इतने की, ये तमाम क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। अब आपने को किताब पसंद आई, ये किताब बीकॉम की है, आपने उसको पैसे निकाले, उस पर क्या लिखा हुआ है, 3,500 है, आपने 3,500 निकाले, या आपने उससे बारगेनिंग की और 3,000 रुपये निकाल के 3,500 निकाल कर किसको दे दिए, उस दुकानदार को दे दिए, ये आपकी जानिब से क्या हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई। आपने ऑफर की, आपने पैसे निकाल कर उसको ऑफर किया, उसने एक्सेप्टेशन कैसे किया, पैसा लिया और आपको किताब दे दी। नहीं, बस में नहीं हो सकता, बस में एक फिक्स किराया होता है, बस में एक फिक्स किराया होता है जो आपको देना है, प्राइस टैग नहीं, प्राइस टैग में फिक्स ना होता है, इसमें इसमें जितनी भी इसमें कमी बेशी की क्या होती है, गुंजाइश होती है, इसमें जो प्राइस टैक्सेस होते हैं, टैक्स होते हैं, उसमें कमी बेशी की क्या होती है, गुंजाइश होती है। आप 3,000 की जगह जो है वो 2,500 भी बोल सकते हैं, आप 2,500 की जगह 2,000, लेकिन किराया क्या होता है, ठीक है, 15 रुपया है जो आपको देना है। किसके साथ? नहीं, रक्षा वाला नहीं, रक्षा वाला कहाँ प्राइस टैग लगाता है, वो जनरल, वो ऑफर जो है, वो आपकी ऑफर जो है वो कौन सी ऑफर कहलाएगी, जनरल ऑफर है, जनरल ऑफर, वो इम्प्लाइड ऑफर नहीं, एक्सप्रेस ऑफर है। आप इसको क्या बोलते हैं, मुझे कहाँ जाना है, फेडरल बी एरिया जाना है, कहाँ जाना है, फेडरल बी एरिया जाना है, वो कहता 50 रुपये लूँगा, ठीक है, अब उसने कहा 50 रुपये लूँगा, आपने कहा खुदा हाफिज़ जना, बात ख़त्म। लेकिन अगर आपने उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया 50 रुपये में, आपने उसकी ऑफ़र को क्या कर लिया, कबूल कर लिया। बात यहाँ किसकी हो रही है, बात यहाँ किसकी हो रही है, राइट, हाँ हाँ, टैक्स की, वो चीज़ें जिन पर क्या लगे हुए हैं, प्राइस टैग्स हैं, ये ऑफ़र जो है इनविटेशन टू ऑफ़र है। आप याद रखिए, इनविटेशन टू ऑफ़र है, जब आप अंदर जाएंगे 3,500 रुपये निकालेंगे, उसको देंगे, तो आपने ऑफ़र की, फिर वो चाहे तो कह दे कि नहीं देता मैं तुम्हें, नहीं बेचता, इनकार कर सकता, और अगर उसने ले लिया 3,500 तो उसने अपनी उस ऑफ़र को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, अब वो आपको जूता जो है वो दे। और कोई बात?